भूख से तड़प तड़प कर दे रहे हैं गोवंश अपनी जान। गौशाला नहीं गायों का कब्रिस्तान बनता जा रहा है। मैनपुरी जनपद में गौशाला केंद्र मृत गायों का गौशाला बाहर गुप्त जगह में हजारों की मात्रा में दबाए जा चुके हैं उनके सब। शिकायत के बाद एसडीएम ने किया गौशाला का निरीक्षण, बताया हरे चारे की है कमी। एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार गौवंशों की सुरक्षा को लेकर पूरे प्रदेश में करोड़ों रुपया खर्च कर गौ रक्षा की बात करते हुए जनपद मैनपुरी में भी कई जगह गौशाला बनवा कर उनकी देखरेख के लिए क्षेत्रीय कर्मचारी भी रखे गए हैं, लेकिन उनकी देखरेख के अभाव में भूख और प्यास के अलावा सर्दी के प्रकोप से तड़प तड़प कर अब तक कई गायों की मौतें हो चुकी हैं। गौशालाओं में कैद भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी, इन गायों की सुध लेने वाला कोई नहीं है। ऐसा ही एक मामला जनपद मैनपुरी के नगर पंचायत घिरोर में देखने को मिला है, जहां चारे की कमी के चलते आज दिन गौवंशों के मरने का सिलसिला बराबर जारी है। आइए हम आपको बताते हैं इन तस्वीरों के माध्यम से गौशाला की हकीकत। जरा गौर से देखिए इन तस्वीरों को, जहां एक नहीं दो नहीं आठ आठ गाय मरणासन पड़ी हुई है, तो वही सात गायों की मृत्यु हो चुकी है। मानो यह गौशाला नहीं गायों की मृतशाला हो, जो कब्रिस्तान में तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है। आरोप यहां तक है कि गौशाला में अब जगह नहीं बची हुई है इन गायों को कहीं दफनाया जा सके, तो फिलहाल इन गायों के शवों को एक कूड़ेदान ढोने वाली गाड़ी से बाहर निकाला जा रहा है, जो नहर के किनारे सैकड़ों की मात्रा में दफनाए गए गायों के शवों के बराबर में इनके शवों को दफन करने के लिए ले जाया जा रहा है। पदम गुप्ता। गुप्ता जी, यहाँ जिलाधिकारी कार्यालय पे एक शिकायत लेकर आए हैं, क्या पूरा मामला है? पूरा मामला ये है सर कि नगर पंचायत घिरोर द्वारा एक गौशाला संचालित की जा रही नगर घिरोर में गुड़ी रोड स्थित, उसमें आए दिन गाय मर रही हैं। उनको जब कल एसडीएम साहब ने दौरा किया तो उसमें ये पाया कि वहाँ पर उनको चारा नहीं मिल रहा है, हरा चारा नहीं मिल रहा है, दाना नहीं मिल रहा है, जिसको लेकर के एसडीएम साहब ने खुद कहा कि इनको चारा नहीं मिल रहा है। उन्होंने वहाँ पर मौजूद डॉक्टर से पूछा कि इनको चारा नहीं मिल रहा है। जब सरकार अनुदान दे रही है, सरकार का अनुदान मिल रहा है, तो ये गायों का चारा ये लोग कौन खा रहे हैं, कौन लोग खा रहे हैं जो गायों को चारा नहीं मिल रहा है? इसलिए हमारी गौरक्षा सेवा समिति ने डीएम साहब को ये प्रार्थना पत्र दिया है। इसलिए उनसे केवल इतनी ही मांग है कि जो भी लोग इसमें संलिप्त हैं, इस भ्रष्टाचार में, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, और जो और उनके खिलाफ गौरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाए। गाय काटने वाला भी दोषी है, तो गाय को तिल तिल मरने वाला भी उसी गौहत्या का जिम्मेदार है। जिस तरह से तमाम जो है ना वीडियो वायरल होते हैं कि आज गाय इतने में यहाँ मर गई है, वहाँ मर गई है, और इस पर सरकार अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? ये सरकार का विषय अलग है कि सरकार क्यों कार्रवाई नहीं कर रही है। इसके लिए हम खुद भी सोचने को मजबूर हैं कि सरकार कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। ये सरकार का विषय, सरकार किस बात को लेकर के नहीं कर रही, या ये भ्रष्टाचारी मजबूत है या सरकार मजबूत है, ये तो यही। अगर बात की जाए आपकी घिरोर की, तो घिरोर में गौशाला जो बना हुआ है उसमें अब तक कितनी गाय मर चुकी है? लगभग रिकॉर्ड में, सरकारी रिकॉर्ड में केवल 11 गायों का पोस्टमार्टम हुआ है, जबकि अगर देखा जाए, जांच की जाए, तो सैकड़ों गायें मर चुकी हैं, जिनका अगर जिस नहर की पटरी पर गायों को दफन कराया गया है, उस अगर जांच वहां पर अगर होती है उस घटना स्थल की, उस जगह की, तो लगभग 1000 से ज्यादा गौवंशों की हत्या हो चुकी है। कल भी 8 से 9 गाय खत्म हुई हैं, और कल 8 गायें वहां मिली हैं जो मृत अवस्था में पहुंच चुकी हैं, उनको चारा नहीं मिल रहा। तो केवल 11 गायों की मतलब जो दर्शाई है अभी तक, जब से गौशाला बनी तब तक केवल उनके रिकॉर्ड में 11 गायें हैं मृत। अच्छा, अगर जो बात की जाए इन गौवंशियों की, तो क्या वाकई में भूख से तड़प तड़प के ही मौत होती है? बिल्कुल, आप देख सकते हैं जाकर के, और इस चीज़ का कबूलनामा डॉक्टर ने खुद किया है वहाँ पे एसडीएम साहब के सामने कि इनको हरा चारा नहीं मिल रहा, इसलिए इनकी हालत पतली है। उनके शरीर, जो गायें या गौवंश जो सड़क पे घूम रहे हैं आवारा, उनकी बॉडी को देख सकते हैं कि उनकी बॉडी कितनी अष्टपुष्ट है, और जो लोग, जो गायें और गौवंश गौशाला में, उनकी आप हालत देख सकते हैं कि कितने कमजोर हैं। तो क्या ये अब सोचने वाली बात यह है कि एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार गायों को सुरक्षित रखने की बात करती हुई नजर आ रही है, और चारे के नाम पर पूरे प्रदेश में करोड़ों रुपया खर्च किया जा रहा है, लेकिन मैनपुरी में भूख और प्यास से तड़प तड़प कर गोवंश अपनी जान दे रहे हैं, जैसे मानो गौशाला में ही गायों की जेल हो, जो कैदी बंद कर अपनी उम्र कैद की सजा काट रहे हो। मृत गायों की शिकायत घिरोर निवासी गौ रक्षा समिति सचिव पदम गुप्ता ने जिलाधिकारी से की थी। शिकायत की सूचना पर मौके पर पहुंचे उप जिलाधिकारी घिरोर ने गौशाला का निरीक्षण किया है।
आ रहे हैं और पूरी देखरेख की जाएगी, पूरी व्यवस्था की जाएगी और ईओ से भी इस बारे में लिख पढ़ के पूछा जाएगा कि इस लापरवाही बरती है उनका क्या होगा है? उन पर कोई जो लापरवाही बरत रहे हैं उन पर कार्रवाई होगी कोई? वो जो पाया गया है वही लिख के भेज जाएगा। सर यहाँ पे आपको चारे की व्यवस्था में क्या कमी पाई गई, कोई कमी मिली है? चारे कमी है, हरा चारा नहीं है इसमें, दाना और दाना भी कम है। क्या जो गायें मृत अवस्था में पहुंच रही हैं, क्या आपको लगता है ये भूख से या बीमारी से हैं? सर्दी का मौसम भी है और चूंकि हरा चारा कम है वो दिखाई पड़ता है, मैंने बताई दिया आपको, हरा चारा बढ़ाया जाएगा, उसकी व्यवस्था कराई जाएगी।